दोस्तों, आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल और खान पान के कारण दुनिया में बीमार लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसका नाम है हर्निया। मैक्सिमम लोगों ने इस बीमारी का नाम जरूर सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सही समय पर नहीं होने से ये एक जानलेवा बीमारी बन जाती है। ये किसी को भी हो सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हर्निया की बीमारी क्या है, ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब शरीर का कोई एक ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाता है या शरीर से बाहर निकलने लगता है तो इस बीमारी को ही हर्निया कहते हैं। इंसान के इस पेट वाले एरिया में सबसे ऊपर पेट की स्किन होती है, उसके पीछे होता है बैली फैट यानी पेट की चर्बी, बैली फैट के पीछे होता है एब्डोमिनल मसल्स यानी पेट की मांसपेशियां, और सबसे पीछे होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। जब हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होने के लिए स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर इकट्ठा हो जाता है। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तब हमारे पेट के ऊपर प्रेशर आता है। इस प्रेशर को हमारा एब्डोमिनल मसल्स रोक कर रखता है। अगर हमारे पेट में एब्डोमिनल मसल्स नहीं होता तब खाने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन पर पड़ने वाले प्रेशर के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन बैली फैट को तोड़कर पेट के बाहर आ जाता। किसी कारण से जब एब्डोमिनल मसल्स का कोई हिस्सा कमज़ोर हो जाता है या फट जाता है तब स्मॉल इंटेस्टाइन पर पड़ने वाले खाने की लोड की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई हिस्सा बैली फैट को तोड़कर बाहर निकल आता है और स्किन के साथ पेट के बाहर लटक जाता है। इसे ही हर्निया की बीमारी कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन हर्निया है। इस बीमारी में इस लटके हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से पर इसके आसपास के एब्डोमिनल मसल्स का दबाव पड़ता है जिसकी वजह से इस स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, जिस वजह से ये हिस्सा धीरे धीरे सड़ने लगता है। ऐसा होने पर उस इंसान को पेट में असहनीय दर्द महसूस होता है। हर्निया की बीमारी 4 तरह की होती है। पहला है अम्बिलिकल हर्निया, ये हर्निया पेट के ऊपर वाले हिस्से में होता है। दूसरा है फेमोरल हर्निया, ये हर्निया जांघों के ऊपर होता है। तीसरा है इंग्विनल हर्निया, ये हर्निया पेट और जांघों के बीच होता है। और चौथा है इंसिजनल हर्निया, ये हर्निया पास्ट में हुए पेट पर ऑपरेशन वाले जगह पर होता है। जब पेट में कहीं ऑपरेशन होता है तब वहां के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं जिसकी वजह से ये हर्निया होता है। चलिए अब जानते हैं कि हर्निया किन किन कारणों से होता है। ये हर्निया की प्रॉब्लम मैक्सिमम जेंट्स लोगों में देखने को मिलता है, लेडीज़ में ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। छोटे बच्चों को भी इस हर्निया के होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है क्योंकि उनके पेट की मसल्स बहुत कमज़ोर होती है। एज बढ़ने के साथ साथ इंसान के पेट की मसल्स कमज़ोर होती चली जाती है, इस वजह से ज़्यादा एज वाले लोगों में भी इस तरह के हर्निया की प्रॉब्लम बहुत होती है। यंग जनरेशन के लोगों में ये हर्निया तब होता है जब वो अपने पेट पर ज़्यादा लोड देते हैं। जब किसी इंसान को कंस्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उसे इस हर्निया के होने का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि कब्ज की वजह से बाथरूम में पेट पर ज़्यादा लोड देना पड़ता है। अगर किसी को लंबे समय से खांसी की प्रॉब्लम है तब भी उसे इस तरह का हर्निया हो सकता है क्योंकि लंबे समय तक खांसते रहने से पेट पर बहुत ज़्यादा लोड आता है। जो लोग जिम में या फिर कहीं भी वेट लिफ्टिंग ज़्यादा करते हैं उनमें भी ये हर्निया ज़्यादा देखने को मिलता है। वेट लिफ्टिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें पेट वाले एरिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, इसलिए वेट लिफ्टिंग उतना ही करें जितना आपका बॉडी झेल सके। आइए अब जानते हैं कि हर्निया का ट्रीटमेंट यानी इलाज क्या है। इसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। इसे सिर्फ ऑपरेशन करके ही ठीक किया जा सकता है। इस बीमारी में ऑपरेशन करके ही बाहर निकले हुए ऑर्गन को अंदर किया जा सकता है। किसी मेडिसिन या फिर लेज़र ट्रीटमेंट से ये करना पॉसिबल नहीं है। हर्निया के ऑपरेशन में जिस जगह पर हर्निया हुआ रहता है उस इन्फेक्टेड जगह पर डॉक्टर एक सीजरिंग करके बाहर निकले हुए हिस्से को वापस पेट के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद उस एरिया के कमज़ोर मसल्स वाली जगह पर एक जाली लगा देते हैं ताकि दोबारा से वो हिस्सा बाहर ना आए। ये जाली पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल का बना होता है। पॉलीप्रोपिलीन एक खास तरह का प्लास्टिक होता है। इसे लगाने के बाद डॉक्टर पेट के उस हिस्से को अच्छी तरह से स्टिच कर देते हैं। अगर आपको शुरुआती हर्निया की प्रॉब्लम है तो आप इसे जल्दी ऑपरेशन से ठीक करवा लें, नहीं तो समय के साथ साथ ये समस्या बहुत बड़ी होती रहती है जिसकी वजह से बाद में सर्जरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसे ही साइंस के 3D नॉलेज से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।